हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है लिंक लिस्ट। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और कभी कभी ये इसका रिप्रेजेंटेशन भी पूछा जाता है लिंक लिस्ट के साथ, तो ये बन जाता है 4 मार्क वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है वो पहले हम देख लेंगे, और उसके बाद हम एग्जाम्पल इसका स्टडी करेंगे। तो देखो, लिंक लिस्ट क्या होती है? इट्स अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल्ड एज नोड। तो अगर आप इतनी ही डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। बस ये स्टार्टिंग है डेफिनेशन की कि ये किसका कलेक्शन होता है। तो इट्स अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल्ड नोड्स। ये नोड्स का कलेक्शन होता है। ओके, नाउ तो एक्चुअली लीनियर कलेक्शन बोला तो गया है, बट ये अगर अच्छे से देखा जाए तो ये लीनियर नहीं होता है। तो इसमें जो लीनियर ऑर्डर होता है वो किससे मेंटेन किया जाता है वो देखते हैं। जो लीनियर ऑर्डर मेंटेन किया जाता है वो किया जाता है पॉइंटर से। दिखने के लिए वो आपको लीनियर दिखेंगी, बट एक्चुअली लीनियर ऑर्डर उसका किससे मेंटेन किया जाता है? पॉइंटर से मेंटेन किया जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली नोड के अंदर क्या होती है। जैसे अरे की सेल होती है ना, वैसे ही हमारा ये नोड होता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। तो ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ द एलिमेंट्स, एंड द सेकंड पार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसको पढ़ोगे देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझेगा कि ये क्या चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखोगे तो उससे आपको ये समझ जाएगा। तो देखो, ये नोड जो होती है ये अरे की जैसे सेल होती है हमारी, बिल्कुल वैसे ही होती है, बस ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। तो जो पहला पार्ट होता है उसमें इंफॉर्मेशन पार्ट रहता है, यानी कि इटसेल्फ डेटा। ओके, और सेकंड पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। ओके, तो अब एग्जांपल देखते हैं और उससे आपको बिल्कुल आइडिया आ जाएंगे कि ये डेफिनेशन कैसे काम करती है। तो 1 मार्क की अगर ये डेफिनेशन आती है तो ये सभी पॉइंट आपको लिखना है। बस पहली लाइन लिखने से आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको बताना है कि लीनियर ऑर्डर मेंटेन किया जाता है पॉइंटर से, और वो जो नोड होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहले पार्ट इंफॉर्मेशन होता है तो दूसरा पार्ट हमारा लिंक पार्ट होता है। तो ये सब कुछ आपको बताना है। देखो, नोड कैसे दिखती है, जैसे अरे की हमारी सिंगल सेल होती है ना, वैसी होती है। तो जैसे कि अरे का इंडेक्स नंबर होता है आपको पता है, वैसे ही इस सेल का भी या इस नोड का भी एक इंडेक्स नंबर होता है। तो हम इंडेक्स नंबर देते ही क्यों हैं? तो क्योंकि हमें एड्रेस नहीं पता होता है ना, इसलिए हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर देते हैं। तो यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ ऐसे इंडेक्स नंबर, एक्चुअली ये एड्रेस ही है। तो अब आते हैं हमारे इस पॉइंट के ऊपर कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। देखो, इसको मैंने 2 पार्टीशन किए, तो आप देख सकते हैं पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। तो ये जो पहला पार्ट है इसमें स्टोर करते हैं हम कोई भी डेटा। तो अब यहाँ पे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पे अल्फाबेट्स यूज कर रहा हूँ। तो मान लो कि ये हमारा इंफॉर्मेशन पार्ट है। ओके, नाउ तो ये हो गई हमारी नोड। आप देख सकते हैं कि ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ये मैंने चीज अभी भी खाली रखी है। तो और एक मैं नोड लेता हूँ बिल्कुल वैसे ही, उसका भी एक एड्रेस होगा, और इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, और देखो उसके कंटेंट मैंने क्या लिखे हैं, बी। तो इसका जो दूसरा पार्ट है उसको पॉइंटर फील्ड बोलते हैं या लिंक फील्ड बोलते हैं, ये मैंने खाली रखा है। क्या ये एक दूसरे से कनेक्ट है क्या? नहीं। और हमने तो कहा है कि लिंक लिस्ट जो होती है वो इट्स अ लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, यानी कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। तो देखो, ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होती है। पहले नोड के ऊपर ध्यान दो, यहाँ का पार्ट मैंने ब्लैंक रखा है, जैसे ही वहां पे मैंने 8 लिखा। ओके, तो ये 8 आया कहां से? ये जो हमारी नोड है ना दूसरी वाली, उसका ये एड्रेस या इंडेक्स नंबर है। मैंने उनके कौन से पार्ट में लिखा है? पहले नोड के मैंने उसके लिंक पार्ट में लिखा है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे वो एड्रेस लिख लेते हैं, यहां से एक एरो ड्रॉन होती है और उससे वो कनेक्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ना आपकी एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो गई। तो अगर आप इस नोड के तरफ पहुंचते हैं, ए को एक्सेस करते हैं, तो ए को एक्सेस करने के बाद आपको जाना कहां है, उसका जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो होता है वो ये होता है। तो यहां से हम कहां पे पहुंचे? बी के तरफ यहां पे हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं किस चीज को क्या क्या बोलते हैं। जो पहला पार्ट है उसको तो पता ही है आपको, मैंने बता दिया इंफॉर्मेशन पार्ट बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो एड्रेस होता है, यानी कि पॉइंटर होता है ऑफ नेक्स्ट नोड का। ठीक है, उसी को हम बोल सकते हैं लिंक पार्ट। ठीक है, या फिर पॉइंटर फील्ड भी हम बोल सकते हैं। अब रही बात, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड, यानी कि यहां तो मैंने 2 ही नोड लिखे हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे नोड यहां पे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से तो लिंक लिस्ट की शुरुआत होगी, तो आपको स्टार्टिंग का एड्रेस पता होना चाहिए कि आपकी लिंक लिस्ट कहां से शुरू हो रही है। तो ये जो 5th वाला एलिमेंट है हमारा, तो इसे बोलते हैं स्टार्ट, या इसका दूसरा नाम नेम
ही है, ठीक है। इसे और एक नाम से जाना जाता है और वो है हेड। तो आपको पता ही है इसे हेड क्यों बोला गया है, मतलब आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत ना, जैसे किसी चीज़ की शुरुआत कहाँ से होंगी, तो वो हेड से होंगी, तो ऐसा इसे बोलते हैं। किताब में हेड वगैरह के बारे में लिखा नहीं है, आपने भी नहीं लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना ध्यान रखना कि स्टार्ट और नेम चीज़ें क्या होती हैं। तो हम इसमें कुछ नए नए नोड ऐड करते जाते हैं। मैंने और एक नोड लिया, उसको मैंने एड्रेस दिया 4, इसके कंटेंट मैंने सी लिख दिया, और उसके पहले वाले मैंने इसमें नोड में 4 लिख दिया, तो वो ऐसे ही कनेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो और एक नोड लेता हूं, उसका एड्रेस मैंने 2 लिखा, तो ये 2 एड्रेस कहां पे आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए, तब जाके कनेक्ट होंगे। तो पहले इसका इंफॉर्मेशन पार्ट लिख लेते हैं हम, जैसे कि डी, और जैसे ही मैंने यहां पे 2 लिखा वो उसके साथ अटैच हो गए। वैसे ही नेक्स्ट नोड लेते हैं, उसका एड्रेस 6 लेते हैं, इसमें इंफॉर्मेशन पार्ट फिलअप कर देते हैं, 6 लिखेंगे उसके साथ वो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और वैसे ही मैंने एक नोड लिया है, उसका इंफॉर्मेशन पार्ट एफ लिखा है, और वैसे ही 3 लिखा है मैंने। अब जो ये लास्ट नोड हमारी, इसका जो लिंक पार्ट है हमारा, इसको मैंने फिलहाल ब्लैंक रखा है, और यहां पे मैं लिख देता हूं क्रॉस। तो ये जो क्रॉस है, ये क्या इंडिकेट करता है कि ये लिंक लिस्ट हमारी यहीं पे खत्म हो गई, ओके। तो इसी चीज को बोलते हैं नल पॉइंटर या नल एड्रेस, मतलब कि इसके बाद हमारी लिस्ट कहीं पे जाने वाली नहीं है। तो पहले इस फिगर को हम नाम दे देते हैं, फिगर का नाम है लिंक लिस्ट विद द 6 नोड, ओके। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लिंक लिस्ट विद द 6 नोड, ओके। 6 की जगह 5th हो सकता है, 7th हो सकता है, कुछ भी यहां पे नोड के बारे में यहां पे पूछा जा सकता है। तो वैसा आपको प्रिपेयर रहना है, और वैसे आपको डायग्राम यहां पे ड्रॉ करनी है। तो अब देखो ये लिंक लिस्ट है, एक दूसरे से यहां पे कनेक्ट है। तो अब देखो, जैसे कि आपको अगर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, यानी कि एक्सेस करना है, तो पहले आप कहां पे आओगे, स्टार्ट में। तो स्टार्ट में कौन है, 5th में जाओगे, ए को एक्सेस करोगे, वो बोलेंगे कि 8 पे जाओ, 8 पे गया, बी को एक्सेस गया, 8 वाले नोड बोल रहे हैं कि 4 के तरफ जाओ, 4 वाले बोल रहे हैं कि 2 के तरफ जाओ, 2 वाला बोल रहा है कि 6 के जाओ, और 6 पे जाने के बाद आपको पता चलता है कि 3 के तरफ जाओ। तो 3 पे जाओगे तो एफ एक्सेस होगा, और यहां पे लिखा है नल, मतलब इसके बाद कहीं पे जाना नहीं है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, एंड इंडिकेट करता है इस लिस्ट का। तो मेरे ख्याल से इतने कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं कि ये वगैरह क्या चीजें यहां पे होती हैं। तो अभी जो आपने ये डायग्राम ड्रॉ की है ऊपर का, तो ये डेफिनेशन है। तो यहां पे हम इसमें कुछ और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जो हमने यहां पे लिखा है ना, इंफॉर्मेशन पार्ट लेफ्ट पार्ट में होता है वो हम लिख सकते हैं यहां पे, राइट पार्ट में पॉइंटर फील्ड होती है या लिंक पार्ट होता है, वो भी पॉइंट हम यहां पे लिख सकते हैं। तो इस पॉइंटर फील्ड से एक एरो भी बाहर निकलता है, ओके, और नेक्स्ट नोड पे जाता है, वो भी पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरो इज ड्रॉन फ्रॉम दिस फील्ड टू द नेक्स्ट फील्ड। इसके बाद ये जो नल पॉइंटर है वो कहाँ पे रहता है, ये जो हमारा लास्ट पॉइंटर फील्ड होती है लास्ट नोड की, वहां पे वो रहता है, वो हम बताते हैं, और वो क्या इंडिकेट करता है आपको भी पता है, ये एंड इंडिकेट करता है। इसके बाद स्टार्ट के बारे में लिखते हैं, जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है या फर्स्ट एड्रेस होता है हमारे नोड का, पहले वाले, उसे को हम स्टार्ट बोलते हैं, या फिर हम नेम भी उसे हम बोलते हैं। और आपको पता ही है, अगर पूरे लिंक लिस्ट को अगर आपको ट्रैवर्स करना है या एक्सेस करना है, तो आपको बस स्टार्ट की ही जरूरत होती है। तो वो भी चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई नीड ओनली दिस एड्रेस, यानी कि स्टार्ट टू ट्रेस द लिंक लिस्ट, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट ऐड कर दो आप, आपके 3 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आप देखोगे कि ये कुछ नए पॉइंट नहीं है, यही वाले हमारे पॉइंट है। आपके आपको नाम के बारे में पता चल गया होगा कि इसे लिंक लिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक नोड दूसरे नोड से एक्चुअली कनेक्ट होती जाती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इनको जो मेमोरी लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, ये रैंडम है। पहला नोड 5th के ऊपर है, दूसरा 8th के ऊपर है। तो इनमें जो मेमोरी लोकेशन लगने वाले हैं, ये रैंडम लोकेशन लगते हैं, ये एक्चुअली लीनियर नहीं होते हैं। भले ही यहाँ पे लीनियर दिया गया है, बट लीनियर ऑर्डर जो मेंटेन किया जाता है, इस पॉइंटर फील्ड से ही मेंटेन किया जाता है, तभी आपको वो एक दूसरे को कनेक्टेड दिखती है, ठीक है। एक बार आप इसे फिर से देख लो या फिर से पढ़ लो, तो आपके पॉइंट वैसे ही क्लियर होते जाएंगे। तो अब एक और एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि लिंक लिस्ट का कंपैरिजन पूछा जाता है अरे के साथ, और वो भी हम यहाँ पे कवर कर देंगे। तो आपको तो पता ही है, एक साइड में आपको लिंक लिस्ट लिखना पड़ेगा, एक साइड में आपको अरे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले डेफिनेशन से शुरुआत कर दो, दोनों जगह पे लिंक लिस्ट की एक डेफिनेशन लिख दो। आप चाहे तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं नोड तक, और डेफिनेशन अरे की तो आपको पता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट है। तो अब नहीं क्या, सेकंड पॉइंट हम बनाते हैं लीनियर ऑर्डर का। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो लीनियर ऑर्डर होता है लिंक लिस्ट में, वो किससे मेंटेन किया जाता है, पॉइंटर से मेंटेन किया जाता है। तो
तो क्या लगता है आपको अरे में किससे मेंटेन किया जाता होगा? तो यहाँ पे पॉइंटर फील्ड होती है, वहां पे ऐसी कोई फील्ड नहीं होती है, तो वहां पे जो लीनियर ऑर्डर होता है वो इंडेक्स नंबर से ही मेंटेन किया जाता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि लीनियर ऑर्डर इज गिवन बाय इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इतनी दो पॉइंट हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है इंसर्शन एंड डिलीशन इज इजी इन लिंक लिस्ट, और वो भी हम देख लेते हैं कि ये इजी क्यों होता है। ठीक है, तो देखो एक नोड लेते हैं हम, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे नोड ली है जिसका एड्रेस है 7 या इंडेक्स नंबर 7 है और उसके कंटेंट है एच। मैं चाहता हूं कि ये जो एच वाली नोड है वो बी के बाद आए, तो हमें क्या करना है? देखो बी में जो 4 था उसे मैंने हटा दिया। देखो 4 यहाँ पे लिखने से हम यहाँ पे आते थे, अब मैंने यहाँ का 4 हटा दिया और मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे जाऊँ एच के ऊपर, तो एच का एड्रेस क्या है 7, तो मैंने लिख दिया वहां पे 7। जैसे ही आप 7 लिखोगे वो लिंक वहां से हट जाएंगी और देखो ये अब किससे कनेक्ट हो जाएंगी, एच से कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, आपको इस एच को इस पूरे लिंक लिस्ट का पार्ट बनाना है, तो हम चाहते हैं कि इसके बाद ये कहां पे जाए, सी के तरफ जाए, तो सी का एड्रेस क्या है 4, तो आप उसके जगह पे क्या लिख दो वहां पे 4 लिख दो लिंक पार्ट पर, देखो ये कनेक्ट हो गए। तो अगर आप ट्रेस करोगे तो पहले ए में जाओगे फिर बी में जाओगे, बी में पहुंचते तो वो बोल रहा है कि 7 पे जाओ, 7 पे गए तो एच एक्सेस हुआ, उसके बाद हम 4 के तरफ आए तो वापस यहां पे आए और ऐसे ऐसे हमारी लिंक लिस्ट यहां पे आसानी से हम यहां पे हो गए। तो ये था हमारा इंसर्शन। डिलीशन भी इतना ही आसान होता है, बस आप कोई भी नोट डिलीट कर दो और जो डिलीट होता है, जैसे कि नहीं क्या मुझे यही डिलीट करना है सपोज, तो मैंने यहाँ पे फिर से 4 लिख दिया, तो ये किससे कनेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे और इस 4 को यहाँ पे हटा दो, तो डिलीशन बहुत इजी होता है। तो एज कम्पेयर टू अरे इंसर्शन एंड डिलीशन बहुत इजी होता है, तो हमारे अरे में डिफिकल्ट होता है, तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं इंसर्शन एंड डिलीशन इज एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव, यानी एक्सपेंसिव का मतलब यहाँ पे डिफिकल्ट है, क्यों होता है? क्योंकि अरे में आपको जगह बनानी पड़ती है इंसर्शन के लिए और डिलीट होने के बाद जगह फिल करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसके बाद रही बात कि इनको मेमोरी लोकेशन कैसे लगते हैं, तो नॉट रिक्वायर्ड कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, कंसेक्यूटिव का मतलब सक्सेसिव या कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लिंक लिस्ट में आप देख सकते हैं 5 है, उसके बाद 8 है, तो पूरे रैंडम मेमोरी लोकेशन यहां पे हमने यूज किए हैं, बट अरे में ऐसा नहीं होता है, पहला एलिमेंट हमेशा 1 पे स्टोर होता है वहां पे, तो वहां पे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हो गए डिफरेंस, तो मैंने यहां पे 4 पॉइंट लिखे हैं। ओके, तो आपको पता ही है जब भी आपको डिफरेंस लिखना है तो लास्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, एग्जांपल लिखना है। तो छोटा सा 3 नोड वाला अरे या 3 नोड वाली लिंक लिस्ट ऐसे आप यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन मेमोरी। तो आपको तो पता ही है जब भी रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आता है आपको शुरुआत करनी है एग्जाम्पल से। हमने अरे को भी रिप्रेजेंट करके देखा है, रिकॉर्ड को भी देखा है, और ये हमारा थर्ड टाइम है जिसको हम अभी नहीं कर रिप्रेजेंट करके देख रहे हैं मेमोरी में लिंक लिस्ट को। तो पहले एग्जाम्पल बना देते हैं, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल लिखते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, तो वही मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बना देता हूँ, वही सेम चीजें आप लिख दो। और जो हमारी लास्ट नोड है आप देख सकते हैं कि उसमें आपको नल पॉइंटर दिखने को मिलेगा, तो ये हमारा नल पॉइंटर है। तो लिंक लिस्ट बनाते समय आपको दो चीजें बराबर बनानी है, सबसे पहले स्टार्ट कौन सा है वो डिनोट करके बताना है, और नल पॉइंटर कौन से नोड के लास्ट पॉइंटर फील्ड में वो आपको यहाँ पे बताना है। तो अब इसे आपको मेमोरी में स्टोर करना है तो कुछ ना कुछ मेथड या कुछ ना कुछ लॉजिक तो यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते कि इसे हमको क्या चीज होंगी जहां पे इसको हमको स्टोर करके बताना है। तो लिंक लिस्ट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है मेमोरी में तो आपको देखो रिक्वायरमेंट क्या है, आपको लगेंगे 2 पैरेलल लीनियर अरेज की आपको जरूरत पड़ेगी। रिकॉर्ड को भी पैरेलल अरे लगा था और यहां पे लिंक लिस्ट को भी रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पैरेलल लीनियर अरेज ही लगने वाले हैं। तो 2 क्यों लगते हैं? क्योंकि एक नोड में 2-2 एलिमेंट्स है, आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन पार्ट है और एक लिंक पार्ट है, तो वो पॉइंट भी हम लिख देंगे कि 1 अरे हमें इन्फो के लिए लगेगा जो इंफॉर्मेशन पार्ट कंटेंट करेगा, और दूसरा जो अरे रहेगा हमारा लिंक पार्ट रहेगा वो एड्रेस स्टोर करेगा नेक्स्ट फील्ड का या पॉइंटर फील्ड के कंटेंट वो क्या करेगा आपको शो करेगा। ठीक है, तो अब यहां पे हम स्टार्ट के बारे में बता देंगे कि स्टार्ट में होता क्या है। तो जो हमारा नेम होता है, नेम ऑफ द लिंक लिस्ट होती है, उसे हम स्टार्ट बोलते हैं। ये क्या स्टोर करती है? कंटेंट्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। ओके, तो वो जो हमारा पहला एड्रेस ही होता है वो डिनोट किससे करते हैं? हम स्टार्ट से करते हैं, कोई बिगिनिंग को शो करता है, इतना आपको बताना है। तो क्यों ना 2 अरे ड्रॉ कर दिए जाए, तो मैंने एक अरे की स्ट्रिप ली, देखो आप साइड साइड में देख सकते हैं मैंने 2 अरे ड्रॉ किए, पहले इसको हम बोलेंगे इन्फो, दूसरे को बोलेंगे हम लिंक। तो आप देख सकते हैं अच्छे से कि एक दूसरे के आजू बाजू में, यानी कि पैरेलल है, बट हमें 100% श्योर होना है कि ये पैरेलल है और अरे भी है, तो आपको तो पता ही है अरे है तो उसके इंडेक्स नंबर भी होते हैं, तो मैंने यहां पे कुछ इंडेक्स नंबर दिए हैं, तो मैंने 1 से लेकर 9 तक इंडेक्स नंबर यहां पे मैंने दिए हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको यहां पे प्रिकॉशन लेना है, जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये जो नोड के आपने जो एड्रेस दिए हैं
जितना हो सके सिंगल डिजिट ही आपको रखने हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों सिंगल डिजिट रखने हैं? सिंगल डिजिट आती कहाँ से है? 1 से लेकर 9 तक। तो अगर आपने यहाँ पे ऐसे ही मान लो कि आपने यहाँ पे 18 ले लिया, 40 ले लिया, 25 ले लिया, और आपको उसको रिप्रेजेंट करके बताना हो, तो आपको उतना बड़ा अरे बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे 1 से लेकर 40 तक, 1 से लेकर 25 तक। तो अगर सिंगल डिजिट लिखते हैं तो हार्डली आपको 9 नोड्स यहाँ पे या 9 लेंथ वाला अरे ही आपको ड्रॉ करने को पड़ेगा। तो इतना ध्यान रखना, ज्यादा बड़े बड़े आपको एड्रेसेस वगैरह यहाँ पे नहीं लिखने हैं। तो अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं इसे। स्टार्ट कहाँ पे है ये आपको बस बता देना है कि जो हमारा स्टार्ट है वो 5th के ऊपर है। तो ऐसे हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। तो अब क्या करना है, इसको हमने विजिट किया तो 5th में ए जो है वो कहाँ पे रहेगा, इन्फो पार्ट में, तो वो हम लिख देते हैं ए यहाँ पे। तो लिंक पार्ट में कौन रहेगा, वो जो यहाँ का 8 है वही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो हमने 8 यहाँ पे भी लिख दिया। तो अब क्या हो गया, जैसे ही आप इस 8 के ऊपर जाओगे तो आपको पता है यहाँ से एक एरो ड्रॉ हुआ है और वो कहाँ पे गया है, बी के ऊपर। तो ये जो बी का एड्रेस ही है वही तो यहाँ पे लिखा है 8, मतलब कि जो हम 5th पोजिशन पे है लिंक पार्ट में 8 लिखने से अब यहाँ से आपको कहाँ पे जाना है, 8 पार्ट के ऊपर जाना है। तो ऐसा एरो ड्रॉ आप कर सकते हैं। देखो मैंने यहां से शुरुआत करके मैं कहां पे पहुंचा हूं, 8 पे यहां पे पहुंचा हूं, ऐसा बता सकते हैं। तो 8 पे जाओ तो वहां पे क्या लिखोगे, बी और 4 लिखोगे। 4 के बाद कहां पे जाओगे, 4 वाले इसमें जाओगे, फिर सी, फिर डी, फिर 6, ऐसे करते करते आप जब लास्ट में जाओगे 3 वाले नोड के ऊपर, तो आप देखोगे कि हमने वहां पे एफ लिख दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, नल लिख दिया। तो ये वाले एरो अगर आपको ड्रॉ करने हैं तो बिल्कुल करो, बट थोड़े से फेंट या पेंसिल से आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बस आपको एक ही करके बताया है, आप ऐसे सब में कर सकते, जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 लिखा है तो 4 आप यहाँ पे पहुंचे, फिर यहाँ पे 2 है तो 2 आप यहाँ पे पहुंचे, फिर 6 से आप 6 पे पहुंचे, 3 से आप 3 पे पहुंचे, और यहाँ पे एफ लिखा और नल मतलब हमारा एंड होता है और वहीं पे हमारा खत्म हो गया, ठीक है। इतना भी करके आते हैं तो 1.5 मार्क आपको मिल जाना चाहिए। बट अगर ये अकेला क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए, तो कुछ और पॉइंट या फिर आपको इस डायग्राम को समझा के बताना है। वैसे इस डायग्राम को आप नाम भी दे सकते, जैसे कि ये वाला यही नाम दे सकते, सिर्फ मैंने यहां पे लिखा नहीं है। इस फिगर का ये जो नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन मेमोरी ही है। तो अब नहीं क्या इसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या यहां पे हुआ है। जो स्टार्ट पॉइंट्स टू 5th एलिमेंट, यानी कि जो स्टार्ट नाम का हमारा वेरिएबल है उसने 5th एलिमेंट को क्या किया है, डिनोट किया है या पॉइंट किया है। तो इसके वजह से हुआ क्या है, इन्फो ऑफ 5 में क्या स्टोर हुआ था, इन्फो ऑफ 5 में ए, एंड लिंक ऑफ 5 में क्या स्टोर हुआ, 8, ठीक है। तो लिंक ऑफ 5 में 8 स्टोर हुआ, इसलिए आपको नेक्स्ट नोड का एड्रेस मिला। तो बस वही लिखना है कि सो नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द नोड इज 8, है ना, ऐसा आपको लिखना है। और फिर आप विजिट करोगे इन्फो ऑफ 8 को, विजिट करोगे सो ऑन, फिर आप वहां पे देखोगे कि वहां पे जो लिंक पार्ट है, अब जो लिंक ऑफ 8 है आप देख सकते हैं लिंक ऑफ 8 में क्या स्टोर है, 4। तो 4 वो हमारा क्या हो गया, एड्रेस हो गया नेक्स्ट नोड का, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ऐसे आप बाकी नोड के लिए भी करो, ओके। ऐसे करते करते आप जाओगे तो सबसे लास्ट में आपको क्या मिलेगा, लास्ट वाला नोड मिलेगा, जो कौन सा रहेगा, एफ वाले पोजिशन वाला नोड रहेगा। तो इन्फो ऑफ 3 पे कौन स्टोर है, एफ है। लिंक वाले हमारे 3 पोजीशन के ऊपर कौन स्टोर है, नल स्टोर है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, एंड इंडिकेट करता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द लिस्ट इज एंडेड हियर, ठीक है। इतना आप एक्सप्लेन करके यहाँ पे आप बता सकते हैं। आपको पता है ये कुछ नए पॉइंट नहीं है, आपको अगर ये पूरा अच्छे से समझा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब कुछ चीजें यहाँ पे लिखना। तो ऐसा रहता है हमारा ये लिंक लिस्ट वाला क्वेश्चन, बहुत ही आसानी है, डिफिकल्ट वगैरह नहीं है। एक दो बार आपने प्रैक्टिस की तो आप आराम से इसके ऊपर स्कोर कर सकते हैं। तो हमारे आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज़।